हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम ATDS रोल को इंस्टॉल करते हैं अपने रॉन 16 सर्वर पे, और आज हम जानेंगे कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे डोमेन कंट्रोलर। तो उसके लिए हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन होना पड़ेगा हमारे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हूँ और मुझे उसके बाद फिर हमें अपने सर्वर मैनेजर पर जाना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, राइट साइड पे अपर साइड पे एक येलो फ्लैग साइन आ रहा है, हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और तो देखिए, यहाँ पे हमारा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, हमारा एक्टिव डोमेन सर्विस कॉन्फिगरेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन आ रहे हैं जो हमारे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन है। तो देखिए, ऊपर के जो दो ऑप्शंस है, ये हम अपने ADC या CDC वगैरह को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम वो देखिए, ये हमारा पहला नेटवर्क है हमारे सिनेरियो में। तो जब भी हम अपने कंपनी में अपना पहला सर्वर क्रिएट करते हैं, जो बिल्कुल पहला सर्वर होगा, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं या हम उसको रूट डोमेन भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारा ये पहला ही है, तो हम यहाँ पर इसको एड ए न्यू फॉरेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, हमसे यहाँ पे रूट डोमेन नेम पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये डोमेन नेम जो हमारा, जैसे google.com, yahoo.com, gmail.com, ये हमारा एक डोमेन नेम होता है। तो हमें भी इस डोमेन नेम को परचेज़ करना होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम सेल करती हैं। तो और ये डोमेन नेम हमारा यूनिक होता है, तो हमें यहाँ पे अपना वो डोमेन नेम देना होता है। तो हम यहाँ पे लैब सिनेरियो में हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे om.tech.local। तो हम ये लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लोकल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ। अदरवाइज़ आप अपनी कंपनी में होंगे तो आपको वहाँ पे डोमेन नेम मिलेगा, जहाँ पे आपको .com वगैरह या .edu होगा या .org, इस तरीके से होंगे, तो आप वो यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे फंक्शन लेवल्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल। तो देखिए, ये होता है क्या है कि जो हमारा विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे हम अपने डोमेन कंट्रोलर को किस तरीके से ऐड कराएंगे और किस तरह से इसके फीचर्स को यूज़ करेंगे, उस फंक्शन लेवल को यहाँ पे हम सेट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, वैसे तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर है, वो हमें कहता है कि हमें अपना हाइएस्ट रखना चाहिए, ताकि हम इनके जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से यूज़ कर सके। बट अगर हम वैसे रियल सिनेरियो में बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे कई नेटवर्क्स होते हैं, कई जगह होता है जहाँ पे हमारा डोमेन फंक्शन लेवल, जहाँ पे मान लीजिए हो सकता है कि 2008 सर्वर चल रहा हो या 2012 सर्वर चल रहा हो, तो वहाँ पे अगर हमें यूज़ करना है, वहाँ पे हमें अगर कम्युनिकेशन करना है, तो हमें यहाँ पे अपना फॉरेस्ट लेवल उसी लेवल पर रखना होगा, ताकि हम उससे कम्युनिकेट कर सकें। तो देखिए, हमारा जो डोमेन फंक्शन लेवल है, हमारे फॉरेस्ट फंक्शन लेवल से हायर हो सकता है इस तरीके से। लेकिन अगर हमारा फॉरेस्ट फंक्शन लेवल मान लीजिए 2016 है, तो मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ डोमेन के लिए। मतलब कि मैं अपने नेटवर्क में मेरे जितने भी सर्वर्स होंगे वो 2016 पे ही होंगे, तभी मैं इसके साथ कम्युनिकेशन कर पाऊँगा अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम अपने रियल सिनेरियो में बात करें, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर मेरा कोई नेटवर्क है जहाँ पे मेरा 2012 सर्वर भी इंस्टॉल है, 2012 R2 है, 2008 भी है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो मैं अपना फॉरेस्ट फंक्शन लेवल यहाँ पे उस तरीके से ही सेट करूँगा। और अगर मान लीजिए मेरा नेटवर्क में अगर सारी अपग्रेडेड है, सारे मतलब मान लीजिए मेरा 2012 है या 2016 सर्वर है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 2016 सर्वर को इंस्टॉल कर लूँगा। बेसिकली देखिए, होता है कि अगर मैं 2012 को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अपने नेटवर्क में 2012 सर्वर पे जितने भी मेरे को फीचर्स मिल रहे हैं, मैं उन्हीं को यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन 2016 में जो मुझे फीचर्स मिल रहे हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक है इसका। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने नेटवर्क सिनेरियो के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें अपना नेटवर्क देखना पड़ेगा कि किस तरह का है हमारे नेटवर्क में, किस तरह के डोमेन्स लेवल्स हैं, मतलब हमारे डोमेन्स कौन कौन सर्वर्स पर काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2012 R2 ले लेता हूँ। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं जो भी फर्स्ट लेवल लूँगा, मैं उससे हायर यूज़ कर सकता हूँ अपना डोमेन फंक्शन लेवल को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि मैं उस फीचर को यूज़ नहीं कर पाऊँगा अपने फॉरेस्ट लेवल पे। देखिए, यहाँ पे मेरा 2016 आ गया है,
तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम आ रहा है और ग्लोबल कैटलॉग और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जो भी ग्रे आउट है ये दो ऑप्शन। तो देखिए हमारा डोमेन नेम जो सिस्टम है DNS है, ये हमारा बेसिकली नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, IP एड्रेस टू नेम में कन्वर्ट करता है और नेम टू IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और जो ग्लोबल कैटलॉग है हमारे नेटवर्क में, ग्लोबल कैटलॉग हमारे फॉरेस्ट पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। और ये इसका काम होता है कि जितना भी हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को पूरे नेटवर्क में उस इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना, मतलब उस चेंजेस को अपडेट करने का काम करता है। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है DSRM पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे हम एक पासवर्ड सेट करते हैं, ये हमारा बेसिकली रिस्टोर पासवर्ड होता है। इन फ्यूचर कभी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी किसी कारण से फेल हो जाता है तो हम इसको इसके थ्रू हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पासवर्ड देना होता है और ये पासवर्ड हमारा उसी टाइम पूछेगा जब हम रिस्टोर कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है उससे उससे अलग रख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से सेम ना रखे तो अच्छा है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मेरे को वार्निंग मैसेज आ रहा है क्योंकि मेरा कोई DNS सर्वर नहीं है, मेरा कोई पेरेंट DNS सर्वर नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, हम इसको अभी यहाँ पे लैब में कर रहे थे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा एक नेट बायोस नेम डोमेन नेम आएगा, ये भी हमारा नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होता है हमारे फ्लैश के बाद। नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर डेटाबेस फोल्डर लॉग फाइल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी होता है हमारा, वो एक डेटाबेस है, हमारे जितने भी नेटवर्क में यूज़र्स हैं, यूज़र्स के जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर्स हैं उनकी लॉगिन इंफॉर्मेशन हैं, रिसोर्सेज हैं, पॉलिसीज़ हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ हैं उन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर किया जाता है इस एक्टिव डायरेक्टरी में। जितने भी डोमेन्स होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर उन सबकी इंफॉर्मेशन, ताकि ये सेंट्रलाइज तरीके से उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सके। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा सील ड्राइव के अंदर विंडोज़ में NTDS फाइल्स में होता है और ये सिस वॉल में हमारा जितने भी पॉलिसीज होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट जहाँ पे हैं वहीं रहने देते हैं। हम अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, कहीं और भी रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से चेंज करके रख सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट यहीं रहने देता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हमारा रिव्यू आ रहा है, जितना भी हमने अभी पीछे जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया उनके बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रीक्विसाइट चेक कर रहा है, मतलब कि जो भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के लिए, प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए बता रहा है यहाँ पे। तो हमारा देखिए सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है, फिर इसका रिव्यू स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अब ओमटेक नेट बायोस नेम जो हमारा आया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। दैट्स मीन कि हमारा यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी जो था वो सक्सेसफुली प्रमोट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद हमारा डेस्कटॉप ओपन हो गया है, तो हम चल के वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये डोमेन बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे हमने दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन नेम आ रहा है यहाँ पे om.local। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने नेटवर्क में अपना फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं और अपने इस तरीके से हम डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।